एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति वाली राज। मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ब्यूटीफुल सा हाई बन हेयर स्टाइल, जो कि आप डेली यूज में कर सकते हो बहुत ही आसानी से। एंड पार्टी में भी आप चाहो तो इसको थोड़ा सा डेकोरेट करके कर सकते हो। चलिए ज़्यादा बातें ना करते, वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि इसी तरीके की न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंस्टाइड प्रीति वाई 24, वहाँ पर मेरी रील्स वीडियो आपको देखने को मिलेगी। एंड सेकेंड चैनल जिसमें मेकअप ट्यूटोरियल एंड स्किन केयर रूटीन वगैरह लेके आती रहती हूँ, तो प्लीज़ उस चैनल को भी सपोर्ट कीजिए। चैनल का नेम प्रीत तिवारी 2 है, देन इस चैनल का नाम प्रीत तिवारी है। तो प्लीज़ दोनों चैनल को सपोर्ट कीजिए। और चलिए हेयर स्टाइल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बनानी है एक हाई पोनी टेल। तो अच्छे से जितना हाई आपको बनाना है पोनी को उतना हाई। तो अच्छे से जितना हाई आपको बनाना है पोनी को उतना हाई आप बना लीजिए। मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा हाई पोनी टेल अच्छी लगती है। आपके फेस पे जैसा सूट करे आप उसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं। उसके बाद आपको लेना है एक रबर बैंड, और रबर बैंड से अच्छे से टाइटली लगा लेना है। तो इस तरीके से मैंने लगा लिया है रबर बैंड को। अगर आपको थोड़ा फ्लैट लुक नहीं चाहिए तो थोड़ा थोड़ा इस तरीके से बालों को खींच लीजिएगा, जिससे कि आपके फ्रंट में थोड़ा सा पफ बन जाए। उसके बाद आपको सिंपली अपने बालों को इस तरीके से टू पार्ट्स में डिवाइड करना है। देन एक क्लचर लेना है। ओके, क्लचर की मदद से मैं आपके बालों का वॉल्यूम जितना होगा उसके अकॉर्डिंग आप क्लचर लीजिएगा। मेरे बालों का वॉल्यूम भी बहुत कम है, एंड वॉल्यूम मतलब मीडियम है एंड लेंथ बहुत कम है, तो मैंने इतनी ही हाइट का क्लचर लिया है। और इस तरीके से सेंटर में लगा देना है। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली जो फ्रंट का हेयर है कुछ भी नहीं करना है, सिंपली आपको क्लचर के चारों तरफ इसको लपेटना है। ओके, लपेट के आप एक यू पिन से इसको सिक्योर कर दीजिए। और अगेन इस साइड के हेयर को लेना है और फिर से क्लचर के चारों तरफ लपेट देना है, और अगेन एक और क्लच यू पिन लगा देना है। और ये आपका डेली का जो बन है वो बन के रेडी हो चुका है। आप इसको बना के मार्केट वगैरह जा सकते हो, शॉपिंग करने के लिए जा सकते हो। अगर आप पार्टी में बना रहे हो तो भी बना सकते हो। थोड़ा सा डेकोरेट कर लीजिएगा, जिससे कि आपका जो हेयर स्टाइल का लुक है वो काफ़ी अच्छा दिखे। इस तरीके से सेटिंग स्प्रे को पतले दांतों वाली कॉम्ब पर लेना है। एंड बैक के जो हमारे बेबी हेयर्स होते हैं वो बहुत डिस्टर्ब करते हैं, हमारा हेयर लुक पूरा ख़राब कर देते हैं। उसके लिए आप इस तरीके से इसको कॉम कर लोगे तो ये ऐसे का ऐसे रहेगा, बिल्कुल भी आपके लुक को ख़राब नहीं करेगा। और काफ़ी अच्छा सा स्टाइलिश सा हाई बन बनके हमारे यहाँ पे रेडी हो गया है। तो आपको कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और बहुत सारी हेयर स्टाइल की वीडियो इसी तरीके की मेरे चैनल पे हैं, जो कि बहुत आसानी से कोई भी बना सकता है, जिसको बिल्कुल हेयर स्टाइल नहीं आता है वो भी बना सकते हैं। तो ये फाइनल लुक, आई होप कि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और भी इस तरीके की वीडियोस देखने के लिए आपको जहाँ से अनमैनेज लगे हेयर आपको वहाँ पे थोड़ा सा यू पिन लेना है और इस तरीके से इसको सिक्योर कर लेना है, जैसे आपको अच्छा लगे। उसके बॉडी बहुत लॉन्ग लास्टिंग चाहिए तो 3-4 यू पिन लेके इस तरीके से अच्छे से लगा दीजिए, जहाँ जहाँ आपको मन करे वहाँ पे। अगर आप ऑफिस वगैरह जाती हैं और आपको, या फिर मार्केट जा रहे हो, या फिर लॉन्ग सफ़र लंबे टाइम के लिए कहीं जा रहे हो, तो इस तरीके से 4-5 यू पिन लगा दोगे तो अच्छे से ये हेयर आपका टिका रहेगा। और आपको लेयर्स निकालनी है तो आप निकाल सकते हो, अदरवाइज आपकी चॉइस है, आपको नहीं निकालनी आप मत निकालिए। मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है मेरे फेस पे लेयर्स आते हैं तो। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट हेयर स्टाइल के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।